कुमार अग्रवाल, फेडरेशन वॉशिंग एंड प्लस का मैं सेक्रेटरी। आज आपका डीडीए पे भी प्रोटेस्ट था, क्या वजह रहा आपके प्रोटेस्ट का? हमारे प्रोटेस्ट का वजह रहा डीडीए की अमेंडमेंट पॉलिसी 2013 में उन्होंने पॉलिसी में जो चीज़ें दी 2018 के अंदर उन्होंने बिल्कुल स्मैश कर दिया उसको। ये हमारा मेन रीजन रहा। उसमें उस रीजन के अंदर चार रीजन्स है। FAR 400 था, अब FAR 200 है एज प्रिवलिंग मास्टर प्लान। दूसरा EDC था, उसमें तीन प्रोविजन थे EDC का, 8% डेवलपमेंट लैंड 2013 के अंदर और 12 किस्तों में पैसा देना था और वन टाइम वो थी। अब इसमें जो है वन टाइम पेमेंट करनी EDC के अंदर, ये है। वन टाइम पेमेंट करना बहुत मुश्किल है। और किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं? इस तरीके प्रभावित होकर अगर FAR 200 रहा, हमने लैंड खरीदी अपने, मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 50 मेंबर्स थे, मैंने 5 एकड़ जमीन खरीदी में मेरे 50 मकान बन जाएंगे, लेकिन FAR 200 होने की वजह से मेरे 25 फ्लैट बनेंगे। इसकी कॉस्टिंग जो है 40-50% इंक्रीज कर जाएगी। और PM जो बार बार कहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो बार बार कहते हैं, बार बार अखबारों में आता है, अदर सोर्स जाता है, अफोर्डेबल हाउसिंग, वो सपना तो DDA ने मलियामेट कर दिया। उनको कोई PM की फर्क नहीं है। PM का सपनों का कोई उसको वो नहीं है कि 2022 तक मकान दे देंगे। 2013 की पॉलिसी, 2007 का मास्टर प्लान, 2011-10 में नोटिफाई हुई, 2013 में नोटिफिकेशन निकला, 2018 आ गया, अभी भी क्या गारंटी इसको DDS को जल्दी से कर देगी? इसलिए हमारा ये प्रोटेस्ट था। तो अब आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि FAR को 2013 में 400 IGT रखा जाए, EDC का जो है 2013 के अंदर था नोटिफिकेशन का IGT रखा जाए, कंसोर्टियम को समाप्त किया जाए। कंटिन्यूस लैंड दिल्ली में है ही नहीं। जो मेन कंसर्न है कि जो प्रोटेस्ट के बाद DDA ऑफिसर से भी आपकी बात, DDA ऑफिसर से बातचीत हुई है 40 मिनट, लेकिन हर चीज पे उन्होंने गोल बोल जवाब दिया। बोले 2 तारीख की हम हेयरिंग कर रहे हैं, उसमें देखेंगे, क्योंकि 2 तारीख से हेयरिंग के पहले वो बोल भी नहीं सकते कि क्या करेंगे हम आगे। अभी किसी हमारे जो रिपोर्टर किसी ने कहा मीट का, हो सकता है बीच का रास्ता निकलेगा तो हमारी कॉस्टिंग और कम हो जाएगी। हमारा मेन विरोध है कि कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब PM का सपना को पलीता मार देंगे। यदि आपके प्रोटेस्ट के बावजूद भी आपके समस्या पे पहल नहीं की गई, आपके मांगों को नहीं माना गया, तो आपका अगला कदम क्या? हमारा अगला कदम होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है और प्राइम मिनिस्टर का घर है, उससे ऊपर कोई है नहीं, उसको वहां तक जाए बिना हम रहेंगे भी नहीं, उसको करा के रहेंगे, फिर भगवान की मर्जी है।